शेर के दिमाग में बैठा है कि वो राजा है, बाकी उससे तगड़ा चीत टाइगर होता है, उससे बड़ा हाथी होता है, उससे लंबा जिराफ होता है, उससे तेज दौड़ने वाला लिपर्ड होता है चीता, उससे तेज दिमाग होता है लोमड़ी का होता है, फॉक्स का लोमड़ी का होता है, लेकिन इस सबको लगता नहीं है। उस ससुराल को लगता है हम राजा है, उसको लगता है कि राजा है, शिकार करेगा ना तो मुंह में ऐसे खून भिगा के और मोछ पे लगा लेगा और शिकार छोड़ देगा, आराम से बैठ के 10 मिनट अपना मोछिया निहारेगा। मोछ शेर के पास जब आग लेके जाइएगा तो शेर कभी आग से नहीं डरता है, वो डरता है कि उसका मोछ न जल जाए, उसको विश्वास है। तो हमेशा जब आपको विश्वास हो जाएगा ना, विश्वास हो जाएगा आप कोनो चीज को, मतलब सेना में देखिएगा ना, अपना एक नारा दिया जाता है, जो बोले सो निहाल, सब शास्त्रीय का। जो हमें कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करना होता है ना, तो हमें अपने सारे रिश्ते, सारे लगाव सब भूलकर हमको वो करना पड़ेगा जो हमको करना चाहिए। आपको बस एक चीज से बचे रहना है, दैट इज संगति। कुछ ऐसे लोगों के संगत से, ऐसे लोगों के साथ से हमेशा अपने आप को बचाइए जहां पर कुछ आगे बढ़ने की बातें नहीं होती है। आजकल जैसे यूथ में जो बातें होती है, गर्लफ्रेंड की बातें, लड़कीबाजी की बातें, आईफोन की बातें, वो सारी बातें होती हैं जिससे आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला है। ऑलवेज आपको आइडेंटिफाई करते रहना है कि आप जिन लोगों के साथ समय बिता रहे हो वो बातें आपको कहीं पहुंचा सकती हैं क्या। अगर पहुंचा सकती हैं तो टच में रहो, रास्ता मिल जाएगा, सफलता के स्टेप समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर उन लोगों की संगत में हो जहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, हटने की जरूरत है। मुझे सिर्फ अपना करियर बनाना है और इतना सॉलिड बनाना है कि किसी भी चीज के लिए किसी भी ताले पर डिपेंड ना करना पड़े, कोई रिग्रेट ना रह जाए कि लाइफ में जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। जिंदगी की एक आदत होती है, ये आपको अगर उठाएगी ना ये आपको पटकेगी भी, ये आपको उठाएगी आपको पटकेगी, आपको उठाएगी ये पटकेगी। कभी मत सोचना कि आज अगर आपका सिचुएशन अच्छा है, आज अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो तो हमेशा बढ़ते रहो। जिंदगी इतनी वफा किसी के साथ नहीं करती, और जिंदगी जब बेवफाई पे आती है पटकती है, वो जब जिंदगी पटकेगी उस वक्त आपकी मजबूती अंदर की डिपेंड करेगी उस पर कि आप बाउंस बैक करोगे, टूट के बिखर जाओगे, खेल खत्म कर लोगे, आप 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने कमरे में दुनिया।